एक बड़ी खबर बदलापुर केस से ही जुड़ी हुई, क्योंकि सरकार ने इसमें एक बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई। बदलापुर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड किए जाएंगे, एएसआई और हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया जाएगा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और इसकी जानकारी दी है कि पुलिस इंस्पेक्टर, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। एएसआई और हेड कांस्टेबल भी सस्पेंड होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही, पुलिस की नाकामी इसमें दिखाई दे रही है। पुलिस पर यह आरोप है कि समय रहते इस मामले में एक्शन नहीं लिया, जिसका गुस्सा पब्लिक भी दिखा रही है। मृत्युंजय, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर ये इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही सबसे बड़ी ये है कि ये घटना 13 अगस्त की है। 13 अगस्त के को सुबह 9 से 12 बजे के बीच में ये घटना, ये वारदात हुई है, और जो परिवार है उसको अगले दिन 14 और 15 अगस्त को इस ये पूरी घटना के बारे में जानकारी आई, और उन्होंने जब डॉक्टरों को दिखाया बच्ची को तो इसकी मेडिकल पुष्टि भी हुई। लेकिन तब से लेकर परिवार न्याय की मांग कर रहा है, और जब सब्र का बांध टूट गया तो ये ऐसी आज स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसे पर अब सरकार को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है इस मामले में। इस मामले में पुलिस कर्मियों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। जो पीड़ित परिवार है वो खुद पीड़ितों की तरह वहां जाकर 12 घंटे तक पुलिस थाने में बैठा रहा, 12 घंटे तक उनकी शिकायत नहीं ली गई थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी आक्रोश है कि जो पीड़िता है उसी को परेशान किया जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 12 घंटे माता पिता और परिवार के सदस्य थाने में बैठे रहे, और महिला पुलिस अधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे पर अब पुलिस वालों पर भी गाज गिर रही है, उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। विपक्ष ने भी यही मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी उसी तरीके से नहीं निभाई। और कहीं ना कहीं अब जो मामला है वो मामला बढ़ते ही जा रहा है। और देखिए, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि अब शाम का समय है, मुंबई पर जो नौकरी के लिए निकले हुए हैं कामकाज के लिए, अब शाम को ट्रेन पकड़कर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पकड़कर घरों की ओर जाते हैं। लेकिन कल्याण से आगे रेलवे लाइन तो ठप पड़ी है, बदलापुर का रेलवे लाइन ठप पड़ा हुआ है। तो लोग, जो लोग उल्लासनगर रहते हैं, करजत कसारा रहते हैं, इस तरफ जाने वाले लोगों को, अंबरनाथ ऐसी जगहों पर जाने वाले लोगों को, अब वो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अब बढ़ेंगी। फिलहाल अब सरकार कोशिश कर रही है कि समाज के जो वरिष्ठ हैं, कोई जिनकी बात कोई समझ सके या समझाया जा सके, उनकी मदद ली जाए और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जब तक ये विश्वास सरकार लोगों तक नहीं दिला पाती है, तब तक मुझे नहीं लगता या किसी को नहीं लगता कि ये ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।